नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर में बुधवार को 6 नए पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 530 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि नए पॉजिटिव में मंडी की नाल का एक, लकड़वास के दो और तीन कानपुर के मरीज शामिल हैं। इधर R&T मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब के कार्मिक के मंगलवार को संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को करीब 6 घंटे लैब बंद रही, जिससे दिन भर के पॉजिटिव मरीजों के घोषित पहली सूची रात 8:15 जारी हो पाई। जगत कस्बे में एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद भी गिरवा SDM सौम्या झा ने निरीक्षण किया। बाद में पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक लेते हुए ग्रामीणों की ओर से लॉकडाउन की पालना नहीं कर बाहर घूमने पर नाराजगी जताई और पुलिस प्रशासन सहित ग्राम पंचायत कार्मिकों को निर्देश दिए। इसके अलावा जरूरी सेवाओं की व्यवस्था पूर्ण करने को कहा। इधर कस्बे के कई मार्ग सील कर दिए गए हैं। इधर जगत पहुंचे 80 प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन के बाद उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेजा। इसके अलावा मंगलवार को लिए 42 सैंपल की रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। उदयपुर में बुधवार को 6 नए पॉजिटिव सामने आने के साथ ही 523 पॉजिटिव मरीज केवल उदयपुर के ही हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पहली सूची 6:30 बजे जारी की, जिसमें कुल 31 की रिपोर्ट में सभी नेगेटिव सामने आए थे, जबकि दूसरी सूची रात 8:15 बजे जारी की गई। इसमें 32 सैंपल में से 6 पॉजिटिव मिले हैं। CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि सभी मरीजों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब तक तीनों हॉस्पिटलों को मिलाकर 504 पॉजिटिव मरीज फिलहाल भर्ती हैं। ये आए पॉजिटिव 75 वर्षीय महिला मंडी की नाल तंबाकू वाली गली से, 6 वर्षीय बच्ची लकड़वास, 42 वर्षीय पुरुष लकड़वास से, 39 वर्षीय पुरुष लकड़वास से, 30 वर्षीय युवक कानपुर से और 30 वर्षीय युवती कानपुर से। बुधवार को सर्वाधिक 21 का डिस्चार्ज हुआ और कुल रोगी हैं 183। MB हॉस्पिटल से बुधवार को सर्वाधिक 21 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही डिस्चार्ज की संख्या 183 हो गई है। अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि बुधवार को कोरोना स्क्रीनिंग OPD में 152 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि पिछले 24 घंटों में 132 सैंपल लिए गए। कुल 5 नए पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि कुल 429 में से 183 को अब तक डिस्चार्ज किया गया, वहीं 4 की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में डिस्चार्ज सूची में 187 लोगों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अब तक 242 लोग MB में भर्ती हैं। रिपीट टेस्ट 45 लोगों का किया गया है। अलग अलग वार्ड में भर्ती 268 संक्रमितों में से 130 पॉजिटिव व 138 नेगेटिव आए हैं, जबकि बुधवार को 14 भर्ती में से 4 पॉजिटिव व 10 नेगेटिव श्रेणी में हैं। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।